दक्षिण अंडमान की जिले की पूर्व अध्यक्ष वी के मरियम बीबी ने स्टेडियम को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए और उसमें बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, इन सारी मांगों को उठाया है ताकि क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस स्टेडियम में तैयारी कर प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर अगर सही सुविधा मिले और सही स्टेडियम मिले तो यहाँ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंडमान के खिलाड़ी कम सुविधाओं में भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रारगंज तहसील के लिए और जोन के लिए टोटली ये बहुत सेंटर ऑफ लोकेशन है और जहाँ पे हर कल्चरल एक्टिविटीज़ बोलिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बोलिए और हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो सारे नियर बाई पंचायत के सभी वहीं पे होते हैं। तो ये वो ग्राउंड जो है काफ़ी पहले जो है बना हुआ था, उसका स्टेडियम का भी बहुत खस्ता हालत है। तो वहाँ का हमारे यूथ आपको पता है वो एरिया के स्पोर्ट्स विलेज से बिलोंग करते हैं, यूथ हमारे बहुत अच्छे वहाँ के टैलेंटेड है और नेशनल अवार्ड विनर्स भी है, आपने सुना होगा केपी मामू जैसे लोग। तो इस तरह से कई हमारे नया जो हमारे यंग जनरेशन खेल कूद में आगे आने चाहते हैं, लेकिन वो स्टेडियम हमारा बहुत पुराना डिमांड है कि वो स्टेडियम को जो है अपग्रेड करके उसको फेसलिफ्टिंग करके वो ग्राउंड को डेवलपमेंट करके फेंसिंग करना है, प्रॉपर चेंजिंग रूम होना चाहिए, उसमें एक ऑफिस रूम होना चाहिए, गैलरी अच्छा बनना चाहिए। तो ये हमने प्रपोजल जो है कई बार जो डायरेक्टर और स्पोर्ट्स है और जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उनका काफ़ी बार विजिट भी करवाया है। तो ये जानने को मिला कि वो जो लैंड है वो जो है अभी तक किसी का नाम में अलॉटमेंट नहीं हुआ है और रेवेन्यू रिकॉर्ड पे है, ना एजुकेशन के है, ना पंचायत के, ना स्पोर्ट्स के, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टेकअप करेगा। मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखा है कि वो जो है अलॉटमेंट अपना नाम में कराए, पीडब्ल्यूडी पे से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चला गया। तो मैं अभी कल ही जो है चीफ सेक्रेटरी से भी मिली। इस अंडमान निकोबार के जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता नरेंद्र चंद्र लाल की फिल्म गांधी द महात्मा को एक बार फिर से राष्ट्रीय दर्जे का सम्मान मिला है। जानकारी के अनुसार रांची में आयोजित दूसरे हजारकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 के दौरान उनकी फिल्म गांधी द महात्मा को गांधी जी पर बने फिल्म में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म को सम्मानित करते हुए इस फिल्म को राजकुमार शुक्ला अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड और टीवी सीरियल कलाकार राजेश जयेश ने इस फिल्म में गांधी जी का रोल प्ले किया था, उन्होंने इस सम्मान को ग्रहण किया। इस फिल्म में फेस्टिवल के दौरान नेशनल लाइफ से बात करते हुए नरेश चंद्र लाल ने कहा कि वे इस पुरस्कार को अपने द्वीपों और द्वीपवासियों को नाम करते हैं। जो सेकंड झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म गांधी द महात्मा को पंडित राजकुमार शुक्ला फाउंडेशन की तरफ से गांधी पर सबसे श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। गांधी पर जो फिल्म बनी है, क्योंकि उस जो ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल था ये गांधी थीम पर ही था, उनका एक थीम गांधी पर था, तो गांधी पर बनी फिल्मों में मेरी फिल्म को बेस्ट गांधी फिल्म का अवार्ड मिला है। और हमारे जो जो मेन लीड हमारे जो कैरेक्टर कर रहे थे मिस्टर राजेश जैस, इसने गांधी का रोल किया था, वो गांधी का रोल में उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मतलब ही परफॉर्म बेस्ट एज ए गांधी। तो ये मैं समझता हूँ ये जो अवार्ड है कि महात्मा गांधी द महात्मा मेरी फिल्म को जो अवार्ड मिला है, ये मैं ये अवार्ड अपने समस्त आइलैंडर को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समस्त द्वीपवासियों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा गांधी द महात्मा जो फिल्म है वो अंडमान के कॉस्मोकल्चर। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए मोहनपुरा इलाके में एक पानी का एटीएम यानी वाटर एटीएम स्थापित किया था। इस वाटर एटीएम को लगाने का मुख्य उद्देश्य था कि शहर के लोगों को कम दामों में साफ सुथरा पानी पीने को मिल सके। इस वाटर एटीएम को लगाते ही लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वाटर एटीएम को भारी क्षति पहुँचाई। जानकारी के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों ने इस वाटर एटीएम में तोड़फोड़ की है और इस मशीन को क्षति पहुंचाई है, जिसके कारण वाटर एटीएम फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। इस कारण जब आसपास के लोगों को असुविधा हो रही है, जब इस संबंध में जब नेशन लाइव ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनुसुईया देवी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका को इस बात की जानकारी मिली है और नगर पालिका का यह प्रयत्न कर रही है कि अब से जो भी वाटर एटीएम लगाया जाएगा उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि इस तरह के असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जल्द से जल्द नगर पालिका परिषद इस वाटर एटीएम को ठीक करवा रही है। ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये पब्लिक का भी कुछ अवेयरनेस जरूरी चाहिए,
तो पब्लिक कोई इसमें पी रात को पी के वो गाइंड्स वगैरह वो तोड़ के गाइंड्स वगैरह निकाल दिया है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ये करने वाला है, सारा वाटर एटीएम में सारा वो अभी हम सीसी सीसी कैमरा इंस्टॉल करेगा तो इसमें मालूम हो जाएगा। तो लेकिन हमको पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, पब्लिक भी उसको अपना सबको गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी तो अच्छा से रखना पब्लिक का भी एक जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी है। अंडमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के फाइबर ऑप्टिकल केबल OFC के कटने से एक बार फिर से पूरा मध्य अंडमान क्षेत्र BSNL मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ चुका है। जानकारी के अनुसार इस बार झिरका संचित और चोल लखंडी क्षेत्र में बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल कट गई है। लोगों की परेशानी और बढ़ने के लिए मध्य अंडमान के कौशल्या नगर क्षेत्र में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल कट गया है, जिससे इंटरनेट सेवाएं भी मध्य अंडमान में प्रभावित हुई हैं। कौशल्या नगर क्षेत्र के बाराचुंग क्षेत्र तथा इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि लगातार 2 दिन से सेवाएं ठप पड़ी हैं। मध्य अंडमान के लोग बार बार प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि BSNL और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बैठक कराकर इस बात पर कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए कि बार बार BSNL ऑप्टिकल फाइबर केबल ना कटे। BSNL सेवा ठप होने से मध्य अंडमान क्षेत्र अलग अलग हो जाता है और वहाँ पर कोई भी ज़रूरी काम जैसे मेडिकल सेवा इत्यादि ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर के मेगा पॉन्ड रिसॉर्ट में अंडमान फूड टेक कॉन्क्लेव पर संघों का आयोजन किया गया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव चेतन संघी ने संघों को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कहा कि उद्यमियों को सरकार के साथ तालमेल अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अभी केवल मुख्य भूमि पर ही निर्भर है। ऐसे में यहाँ मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हों सजाने के लिए की जरूरत है। मुख्य सचिव ने कहा कि द्वीप समूह में मछली पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान द्वीपों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की थी। इन परियोजनाओं के लिए उद्यमियों को आगे आकर योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ पर फूलों की प्रजातियों की बड़े पैमाने पर खेती कर किसान अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने नारियल के गुड़ की तैयारी के बारे में भी बात की। मुख्य सचिव के दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी इफर्ट्स किए गए हैं। पहली बार कोशिशें जो हैं वो ख्यालों से बाहर आकर और जमीन पर आने की कोशिश हुई, और उसको अगर साल उसका दे दिया जाए तो आपके पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात आई है, यहाँ ई वीजा आ गया है, इमिग्रेशन के लिए लोग जा सकते हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट आ सकती हैं, आपके लिए केबल से इंटरनेट की व्यवस्था में बहुत सारे। हम लोग अंडमान में नॉर्मली अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स ही हमको ज्यादा ड्राइव करता था अभी तक। अब एक और चेंबर ऑफ कॉमर्स आ गया यहाँ पर, यू नो दे हैव कम फ्रॉम कलकत्ता, वी वेलकम देम हियर। एंड उनका ये जो एफर्ट है उससे कुछ ना कुछ अंडमान को फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। इस वजह से ही मैंने यहाँ पर आने के लिए एग्री किया था, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिन भर का आपका इंटरेक्शन है या जो भी इंटरफेस है उसमें सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही अगर आप बुलाकर आपस में इंफॉर्मेशन देते लेते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता नहीं है, वो हम लोग वैसे भी करते हैं। सो द आइडिया इज़ कि जो फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं या अदरवाइज एंटरप्रेनर्स हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेनर्स हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे। फिशरीज में च्यूना फॉर एग्जाम्पल इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, केज कल्चर के जो ग्रुपर्स होते हैं या जो वेराइटीज होती हैं, दैट इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जो आपके सी वीड्स हैं, दैट इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। उसके जितने भी लिंकेजेस हैं, सर्टिफिकेशन हुआ या फाइनेंसिंग हुआ, उसका हमारा डिपार्टमेंट जो है उत्पल साहब जी के अंडर में बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से फरहारगंज इलाके में एक राजकीय परिवहन सेवा की जो बस आग लगने से अफरा तफरी मची थी, दरअसल 3 लोगों की मुस्तैदी के कारण यह हादसा टाला जा सका। इस पूरी घटना के दौरान उस इलाके के 3 लोग आमिर,
मुस्तफ़ा और रवि ने साहस दिखाया। उन्होंने न केवल आग पर काबू पाया बल्कि बस की बैटरी की वायरिंग को भी हटा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। अनमन लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।